नमस्कार दोस्तों, नित्विक क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था प्रतिशत, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। ये जो बैच है आपका स्पेशल रूप से आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का बैच है। इस बैच के अंदर अपन क्या है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, जीरो लेवल से पढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक चलेंगे। साथ साथ में जो आपके पीछे एग्ज़ाम्स हुई है उन एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी सोल्व करते चलेंगे। तो चलो भाई, पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट की है यानी कि सभी लोग जुड़ जाओ जल्दी जल्दी और पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अभी आपके पास क्या काफ़ी समय है और अभी से शुरू करोगे तभी क्या आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ये नहीं है कि भाई मैं तो एक महीने पहले लग जाऊँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये चीज़ पॉसिबल है नहीं है। कंपटीशन ज़्यादा हो गया और सिलेक्शन लेना कोई इतना हार्ड भी नहीं है। अगर आप शुरू से प्रैक्टिस करोगे अच्छे से तो आपका सिलेक्शन क्या है आसानी से हो जाएगा। बात समझ में आ गई, तो अभी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। और ये अपने इस बैच की बात करें, ये बैच है आपका स्पेशल रूप से आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का बैच है। ये बार बार जो पुराने बच्चे हैं उनको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं बता देता हूँ। इस बैच के अंदर बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे अपन और एडवांस लेवल तक चलेंगे। साथ साथ में जो आपके पीछे एग्ज़ाम्स हुई है उन एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चनों को अपन क्या सोल्व करेंगे। सभी क्वेश्चन आरपीएफ एसआई कांस्टेबल है, ग्रुप डी है, आरआरबी जेई है, इनमें जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको इजी तरीके से सोल्व किया जाता है। तो इस बैच के अंदर बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। साथ साथ में जो पीछे एग्ज़ाम्स हुई है उनमें जो क्वेश्चन है उनको क्या सोल्व करेंगे और जहाँ पर शॉर्ट ट्रिक लगाने की ज़रूरत रहेगी क्वेश्चन में वहाँ पर अपन क्या शॉर्ट ट्रिक लगा के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि एग्ज़ाम के अंदर आपको समय कितना मिलता है, मात्र 90 मिनट मिलते हैं। क्वेश्चन कितने आते हैं, 120 आते हैं, 120 क्वेश्चन आते हैं। तो मैथ के कुछ क्वेश्चन जैसे आपके मैथ के क्वेश्चन आते हैं 35 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन जैसे 5 या 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं अगर उनको आप बेसिक से करोगे तो काफ़ी क्या समय लगता है। और अगर उसमें क्या है बेसिक से आपने करना चाहा उनको तो आपका काफ़ी समय क्या लग जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन में आपने 2 या 3 मिनट भी लगा दी तो काफ़ी समय लग जाएगा। बात समझ में आ गई, काफ़ी समय लगेगा तो जो क्वेश्चन और हैं वो आप क्या नहीं अटेंड कर पाओगे। अगर उनको अटेंड नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। बात समझ में आ गई, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं उनके लिए अपन क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से काम करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उसको बेसिक से करें तो काफ़ी समय लगता है, और अगर उसको अपन क्या शॉर्ट ट्रिक से करें तो मात्र 15 या 20 सेकेंड में क्या उनका आंसर आ जाता है। तो इसीलिए अपन सभी क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक नहीं सीखेंगे, अपन किसकी सीखेंगे जिसकी क्या ज़रूरत रहेगी। बात समझ में आ गई, लेकिन शॉर्ट ट्रिक भी क्या कब काम करेगी, जब क्या है अपने को बेसिक अच्छे से आता हो। अगर किसी का आपको जैसे किसी टॉपिक का आपको बेसिक अच्छे से आ रहा है तो उसकी शॉर्ट ट्रिक आप क्या खुद भी बना सकते हो। बात समझ में आ गई, तो बेसिक तो अपने को सीखना है ही है, बेसिक के साथ साथ में अपन क्या है शॉर्ट ट्रिक जहाँ पर आपको ज़रूरत लगेगी मेरे को कि इस क्वेश्चन में लगानी चाहिए तो उसमें मैं अपना आप बता दूंगा। बात समझ में आ गई, तो अपना टॉपिक जरा था प्रतिशत। हाँ भाई, एक चीज़ और बता दूँ, ये बैच आपको क्या कंप्लीट करवाया जाएगा यूट्यूब चैनल पे और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ये बैच क्या है बिल्कुल फ्री रहेगा आप सभी के लिए, और इसके बाद में अपन क्या करेंगे प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आ गई, तो चलो टॉपिक चल रहा था अपना प्रतिशत। प्रतिशत में आज अपन करेंगे जो जनसंख्या वाले क्वेश्चन हैं उनको क्या है आज करेंगे। शुरुआत में एक देखो इजी बेसिक सा क्वेश्चन है, चलो इसको समझो और करने की कोशिश करो। एक शहर की दो साल पहले यहाँ पे क्या है, दो वर्ष पहले जनसंख्या 120,000 थी। प्रथम वर्ष 10% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष 5% की वृद्धि होने पर शहर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। क्या दिया है, एक शहर है उसकी क्या है 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी है, 120,000 है। पहले साल वृद्धि हुई उसमें 10% की और दूसरे साल वृद्धि उसमें कितनी हो गई, 5% की। तो आपको पूछा क्या है जो शहर की वर्तमान जनसंख्या है वो क्या होगी। क्वेश्चन में क्या दिया है, ये जो जनसंख्या दे रखी है ये आपकी कितने साल पहले की है, 2 साल पहले की। पहले साल क्या हुआ, प्रथम वर्ष हुई 10% की वृद्धि, फिर अगले साल क्या हुई उसमें 5% की वृद्धि। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या संख्या कितनी है ये आपसे पूछा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। अपन क्या बेसिक से चलते हैं, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से करोगे, अच्छे से समझ पाओगे तो आगे के जो क्वेश्चन है वो आसानी से सोल्व कर पाओगे। बात समझ में आ गई, तो चलो इसको सोल्व करने की कोशिश करो, समझो और सभी लोग सोल्व करने की कोशिश करो भाई। तो चलो सोल्व करने की कोशिश करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन की 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, 120,000 थी।
कितनी थी? 1,20,000 थी। उसके बाद में क्या हुआ, पहले साल क्या हुआ, 10% की वृद्धि। इसका मतलब क्या हुआ था, 100 पे वृद्धि कितने की हो गई, 10 की, तो 100 से बढ़ के कितना होगा, 110 हो गया। बात समझ में आ गई। आगे फिर दूसरे साल क्या हुआ, 5% की वृद्धि हो गई, तो 100 पे वृद्धि कितने की हो गई, 5 की, तो क्या आ जाएगा, गुणा 105/100। ये क्या है आ गया इसका। अब इसको क्या करेंगे, अपन सोल्व करेंगे। देखो दो जीरो से क्या हो गई, दो जीरो कैंसिल हो गई, इस दो जीरो से क्या हो गई, ये दो जीरो कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या बच गया, 12 गुणा 110 गुणा 105। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, 12 गुणा कितने हो गए, 11, 120 और 12 कितने हो गए, 132, तो इनका तो क्या हो गया, गुणनफल कितना हो गया, 1320 हो गया। 1320 को गुणा करेंगे अपन 105 से, तो वो क्या जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1320 को गुणा करेंगे अपन 105 से। देखो ये क्या आ गया, 0, 5, 2, 10, हाथ की कितनी लगी, 1 और 5, 3, 15, 1, 16, 5, 1, 5 और 1 कितने हो गए, 6। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, 0, 0, 0, और यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, 2, 3, 1, 0, 0, 6, 8 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया। तो जो शहर की वर्तमान जनसंख्या है वो कितनी हो जाएगी, 1,38,600। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन देखो बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन अपन क्या सभी टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं वो सभी टाइप के क्वेश्चन करेंगे। अगर बेसिक आपने ढंग से पढ़ा है तो आपकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई होगी। देखो क्या दिया है, एक शहर की जो दो वर्ष पहले की जनसंख्या है वो कितनी है, 1,20,000, तथा के उसमें क्या हुआ, प्रथम वर्ष वृद्धि हो गई कितनी, 10% की, दूसरे वर्ष वृद्धि हुई 5% की। वृद्धि होने पर शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी हो गई, शहर की जो दो साल पहले की जनसंख्या थी वो कितनी थी, 1,20,000 थी। इसमें क्या हुआ, पहले साल वृद्धि हो गई कितनी, 10% की, तो अपन ने क्या लिखा, 110/100, 100 पे वृद्धि कितनी हो गई, 10 की, तो 100 से बढ़ के कितना हो गया, 110, तो 110/100 हो गया। फिर दूसरे साल क्या हुआ, इसमें 5% की क्या वृद्धि, 5% की वृद्धि हो गई, तो जनसंख्या जो 100 से बढ़ के कितनी हो गई, 105 हो गई। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने पे आपके पास क्या आ गया, 1,38,600। तो शहर की जो वर्तमान जनसंख्या है वो कितनी है, 1,38,600 है। चलो इसको करो नोट डाउन, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे भाई। चलो भाई अगला क्वेश्चन पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या दिया है, एक शहर की वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, 80,000 है। प्रथम वर्ष क्या हुआ, 10% की वृद्धि, दूसरे साल क्या हुई, 20% की कमी होने पर शहर की दो साल बाद की जनसंख्या ज्ञात करो। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन क्या दिया है, एक शहर है उसकी वर्तमान में जो जनसंख्या वो कितनी है, 80,000 है। पहले वर्ष क्या होता है, जैसे अपन ने मान लिया पहले वर्ष उस शहर में 10% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और फिर दूसरे वर्ष उसमें क्या होगा, 20% की कमी हो जाएगी, ये अपन ने मान लिया। तो शहर की जो दो साल बाद की जनसंख्या वो कितनी होगी। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन क्या दिया है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या दे रखी है और क्वेश्चन में बताया है कि पहले साल अपन ने माना उसमें 10% की वृद्धि हो जाएगी और फिर अगले साल क्या हो जाएगी, 20% की कमी हो जाएगी। तो शहर की जो दो साल बाद में जो जनसंख्या है वो कितनी होगी, ये क्वेश्चन में पूछा है। पिछला क्वेश्चन था उसमें दोनों साल में क्या हुई थी, आपके वृद्धि हुई थी, और इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, एक साल में कमी हो रही है और दूसरे साल में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। बात समझ में आ गई होगी। उससे थोड़ा सा अलग टाइप का एक क्वेश्चन है, वैसे इजी क्वेश्चन है, ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। जिन लोगों ने सोल्व कर लिया वो आंसर कमेंट में लिखते जाओ भाई। क्वेश्चन समझो एक बार, एक शहर की वर्तमान में जो जनसंख्या वो 80,000 है, इसमें क्या हुआ, प्रथम वर्ष 10% की वृद्धि, दूसरे साल 20% की वृद्धि होने पर शहर की दो वर्ष बाद की जनसंख्या याद करो। आपको दो वर्ष बाद की जनसंख्या याद करनी है तो किस प्रकार से करेंगे, जो आप वर्तमान में आपकी जनसंख्या शहर की वो कितनी है, 80,000 है। अब देखो इसमें क्या हुआ, पहले साल वृद्धि हो गई कितनी है, 10% की, तो 100 से बढ़ के देखो कितना हो गया, 110 हो गया। फिर अगले साल क्या हुआ, इसमें 20% की कमी,
तो 100 से कितना कम हो गया है, 20 कम हो गया है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 80/100। बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। 40 आ गए, 40 से 40 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब आपके पास क्या बचा, देखो इसको सोल्व करेंगे, 8 × 110, देखो 8 × 110 × 80 गुणा क्या जाएगा आपके पास, 80 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो 8 कितने हो गए, 64 हो गए। तो इन दोनों को अपन ने गुणा कर लिया तो कितना आ गया, 640 आ गया। 640 को गुणा करेंगे अपने 110 से, तो ये तो देखो 20 वैसे ही लगा देंगे अपन। अब देखो 11 को गुणा करेंगे, 1100 कितने हो गए, 44 हो गए। हाथ की कितनी लगी, 4, 11 से 66, और 66 और 4 कितने हो गए, 70 हो गए। तो ये कितने आ गए, 704। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो शहर की जो 2 साल बाद की जनसंख्या वो कितनी हो जाएगी, 70,400। बात समझ में आ गई। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, पहले साल क्या हो गई, वृद्धि हो गई, और दूसरे साल क्या हो गई, कमी हो गई। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा होगा तो आपके समझ में आ गया होगा। देखो बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन है। एक बार दोबारा समझो, शहर की जो वर्तमान जनसंख्या थी वो कितनी थी, 80,000 थी। पहले साल क्या हुई, 10% की वृद्धि, तो 100 से बढ़ के कितना आ गया, 110/100। फिर दूसरे साल क्या हुई, 20% की कमी, तो 100 से कमी कितनी हो गई, 20 की, तो संख्या कितनी बच गई, 80। तो क्या जाएगा, 80/100। अब बराबर में देखो इसको क्या करेंगे, अपन सोल्व करेंगे। बात समझ में आ गई। सोल्व करने के बाद में आपके पास क्या आ गया, 70,400। तो शहर की 2 साल बाद में की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 70,400 हो जाएगी। बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलो तो इसको नोट डाउन करो और अगला क्वेश्चन आपको सोल्व करना भाई। एक क्वेश्चन ऐसे ही मैं आपको दूंगा तो वो आपको सोल्व करना। चलो इसमें ही चेंजमेंट कर देते हैं। जिन लोगों ने ये क्या सोल्व कर लिया, ये नोट डाउन कर लिया, फिर इसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना होगा भाई, ताकि पता चले आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। चलो भाई अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करो। मैंने थोड़ा सा चेंज किया इसमें, यहाँ पे मैंने जनसंख्या कर दी कितनी, 1,80,000। पहले वर्ष क्या कर दी, कमी कर दी। फिर दूसरे साल क्या कर दी, बढ़ दी। तो क्वेश्चन सेम जो पिछला क्वेश्चन किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। साथ साथ में आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश क्या करो भाई। एक शहर की वर्तमान में जनसंख्या वो 1,80,000 है। प्रथम वर्ष 10% की कमी तथा दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि होने पर शहर की जो 2 वर्ष बाद की वो जनसंख्या कितनी होगी, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो सोल्व करते हैं। जिन लोगों ने सोल्व कर लिया वो कमेंट करते जाओ भाई। आंसर आपका कितना आ रहा, शहर की जो जनसंख्या वो कितनी है, 1,80,000। ये क्या हो गई, शहर की जो जनसंख्या हो गई। इसमें क्या हुआ, पहले साल देखो क्या हो रहा है, 10% की क्या हो रही, कमी हो रही। इस बार क्या हो गई, 10% की कमी, तो 100 से कमी कितनी हो गई, 10 की, तो कितने बच गए, 90। अगले साल क्या हुई, इसमें 20% की वृद्धि हो गई, 100 से बढ़ के कितना हो गया, 120 हो गया। बात समझ में आ गई। अब देखो अपन इसको सोल्व करेंगे। 20 क्या हो गए, 20 कैंसिल हो गए। इस 20 से इस 20 कैंसिल कर दिया। अब क्या करेंगे, इनको गुणा कर लेंगे। किसको किसको करेंगे, देखो इधर क्या आ जाएंगे, 20 आ गए आपके, इधर क्या बच गया, 18 × 9 × 120। 18 × 9 × 120। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो तो भाई करो इसको नोट डाउन। क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। एक शहर की वर्तमान जो आपको जनसंख्या दे रखी है वो कितनी है, 1,80,000 है। पहले साल की अभी इसमें 10% की कमी हुई, फिर दूसरे साल में क्या हो गई, 20% की वृद्धि हो गई। अब आपको पूछा क्या, 2 साल बाद में जो शहर की वो जनसंख्या वो कितनी हो जाएगी। तो पहले साल कमी हुई तो 100 से कमी कितनी हो गई, 100/10 की, तो कितने बच गए, 90। तो अपन लिखेंगे 90/100। दूसरे साल क्या हुई, 20% की वृद्धि हो गई, तो 100 से बढ़ के कितना हो गया, 120 हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो चलो इसको नोट डाउन करो, सोल्व कर लेना भाई।
अब करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। चलो अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या दिया है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 160,000 है, पहले साल इसमें क्या हुई 60% की वृद्धि हुई और दूसरे साल इसमें 25% की वृद्धि हुई, तो शहर के दो साल पहले की जनसंख्या कितनी थी, ये आपसे पूछा गया। बात समझ में आ गई, एक शहर है उसकी वर्तमान में जो जनसंख्या वो कितनी है 160,000 है, पहले साल क्या हुआ इसमें 60% की वृद्धि, दूसरे साल इसमें 25% की वृद्धि हुई, तो जो शहर की है वो दो साल पहले की जनसंख्या कितनी है, ये आपसे पूछा है। तो इसको सोल्व करने की कोशिश करो, बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आप वो आपके काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन है। चलो तो इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। अपन क्या मानेंगे, शहर की जो दो साल पहले की जनसंख्या है, शहर की क्या है दो साल पहले की जनसंख्या दो साल पहले की जनसंख्या कितनी मानेंगे अपन, x मान लेंगे। बात समझ में आ गई, दो साल पहले की जनसंख्या अपन ने कितनी मानी, x मानी। x मानने के बाद में देखो क्या हुआ, पहली साल कितनी हुई 60% की वृद्धि हुई, यहाँ पे क्या हुई वृद्धि, तो वृद्धि होगी तो क्या करेंगे अपन 100 में जोड़ देंगे 60, तो क्या आ जाएगा 160/100 आ गया। फिर दूसरे साल क्या हुआ 25% की वृद्धि हुई, तो 100 पे वृद्धि कितनी हुई 25 की, तो इसमें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 125/ क्या आ जाएगा 100। ये होने के बाद में जो जनसंख्या होती है वो कितनी होती है 160,000, 1,00,000 कितनी हो गई 60,000। बात समझ में आ गई, अब क्या करेंगे इसको सोल्व करेंगे, जीरो से क्या हो गया जीरो कैंसिल हो गया, इधर 25 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार, इधर 25 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 का भाग 4 में 1 बार जाएगा, 16 में कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। अब देखो इसको अपन काटेंगे, 5 का भाग 5 में 1 बार जाएगा और 10 में कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा, 4 में कितनी बार गया 2 बार गया। बात समझ में आ गई, तो ऊपर तो क्या बच गया अपने पास 1 2 बच गया, नीचे कुछ भी नहीं बचा, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, ये क्या आ गया x गुणा 2 बराबर कितनी है 160,000, 160,000 हो गई x बराबर, ये 2 गुणा में ये क्या आ जाएगा इस साइड में आके भाग में आ जाएगा, इस साइड में आके क्या आ गया भाग में, तो बट्टे में क्या आ जाएगा 2, 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा, 16 में कितनी बार जाएगा 8 बार, तो आपके पास जनसंख्या कितनी आ गई 80,000, तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। एक बार क्वेश्चन को दोबारा समझो और आप लोग करने की कोशिश करो, क्या दिया है क्वेश्चन, एक शहर है उसकी वर्तमान में जनसंख्या वो कितनी है 160,000 है, पहले साल इसमें 60% की वृद्धि हुई और दूसरे साल इसमें 25% की वृद्धि हुई, तो दो साल पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी, ये आपसे पूछा है। इसमें क्या पूछा, दो साल पहले की जनसंख्या पूछी है, वर्तमान जनसंख्या आपको दे रखी है और दो साल पहले की जनसंख्या पूछी है। जो पिछला क्वेश्चन था उससे थोड़ा सा अलग टाइप का ये क्वेश्चन है, तो अपन ने किस प्रकार से किया, देखो शहर की जो दो साल पहले की जनसंख्या वो अपन ने क्या मान ली, x मान ली, x मानने के बाद में पहली साल क्या हुई 60% की वृद्धि हुई, तो 100 पे वृद्धि कितनी हो गई 60 की, तो अपन क्या लिखेंगे 100 में 60 जोड़ेंगे तो 160/100 आ जाएगा। दूसरी साल देखो क्या हुआ, इसमें 25% की वृद्धि हुई, इसका मतलब क्या हुआ 100 पे वृद्धि हुई कितने की 25 की, तो क्या लिखेंगे 125/100। अब देखो अपन सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद में यहाँ पे क्या बच गया 2x बच गया। बात समझ में आ गई, यहाँ पे क्या बचा 2x, 2x बराबर कितना आ जाएगा 160,000। अब अपने वो चाहिए किसका मान, x का मान, तो इधर देखो क्या है 2 गुणा में है, तो बराबर के इस साइड में आके क्या आ जाएगा भाग में, तो 60,000 160,000 में भाग देंगे अपन 2 का, तो क्या आ जाएगा 80,000। तो शहर की जो दो साल पहले की जनसंख्या वो कितनी हो जाएगी आपकी 80,000 हो जाएगी। बात समझ में आ गई अच्छे से, बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या, देखो बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आए मैं आपको बोलूँ आपको ये सोल्व करना, तो आप लोग सोल्व करने की कोशिश क्या करो भाई, जिससे क्या आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अगर कहीं पे आपके दिक्कत आएगी तो आपको ये पता चलेगा कि कहाँ पे आपके प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसका क्या हो जाएगा सुधार हो जाएगा। बात समझ में आ गई, चलो तो इसको करो नोट डाउन। चलो भाई आज के लिए इतना ही, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी क्या शेयर करते चले भैया, शेयर कर दिया करो भाई वीडियो को।
ताकि क्या थोड़ी अपनी क्या है संख्या बढ़ सके अपने परिवार की, जो नित्विक क्लासेज है वीडियो को शेयर कर दिया करो। चलो भाई नोट डाउन कर लिया हुआ, आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करते हैं अपन कल। धन्यवाद।